वेरी गुड। ठीक है, तो हमने भाई से निगोशिएट कर लिया है, बट जो प्राइस हमको दी गई है वो तो फिलहाल हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप आइएगा, भाई आपको बेस्ट प्राइस दे देंगे। भाई आपका नाम? रोजे खान है। आपका नंबर वगैरह दे दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम जो आ रहे हो तो आपको कॉल कर सकते हैं। 0524623। एक बार वो चाट पकड़ेंगे क्या, तो लोगों को पता भी चलेगा कि एग्जैक्टली कितना प्राइस है। ओके, ये इनका प्राइस रेंज है, बट यहाँ पे नेगोशिएट हो जाएगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे, वो आपको बेस्ट प्राइस दे देंगे। ठीक है, और नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। 0544011268। ठीक है, तो आप भाई से कांटेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी और हमारी ये टीवी राइड कंप्लीट करते हैं। भाई मेरे पास ही रखा है और देखते हैं कितना मज़ा आता है। साहिल ने जाते ही धसा दी गाड़ी। अरे वेट कर, ये गाड़ी फंस चुकी है, भाई को चलाने नहीं जम रहा है बिल्कुल भी। साहिल का कहना है गाड़ी बराबर नहीं मिली थी, पर भाई ने धसा ही है। ये चलाने वाली की टेक्निक पर डिपेंड करता है। अकेले अकेले अभी थोड़ी देर में मैं भी जाने वाला हूँ और मैं भी मजे मारने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीवी के मजे। यहाँ पे चौक है, स्टार्ट का बटन है, अपना बाइक भी जैसा है और अभी मजे मारते हैं। चलो लेट्स गो। कैसा लगा, मजा आया? ये तो अपने बाइक की जैसा ही है नॉर्मल, पर रेत में चलाने का मजा कुछ और है। इसमें क्या होता है, जैसे जेट स्की में हमें हैंडल लूज छोड़ना पड़ता है, एटीवी में हमें हैंडल को टाइट पकड़ना होता है, तभी आप स्टेबल कर पाएंगे, अदरवाइज रेत में चलाना थोड़ा मुश्किल है। एज रेत होती है तो गाड़ी फिसलती है, तो हैंडल को थोड़ा टाइट रखना है, समझ गए? चलो साहिल हम डबल राइड मार के आते हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एटीवी पे, दोनों भाई लोग मजे मारने करते हैं। पहले समंदर में मजे मारे, अभी रेती में मजे मारने की बारी है। चलो हालत खराब हो चुकी है और वेट नहीं उठा पा रही है इतना, तो आपको कहूंगा कि 200 सीसी की ही लीजिएगा, 100 सीसी में आप चला नहीं पाएंगे, मजे नहीं उठा पाएंगे। 200 सीसी लीजिए और मजे मारिए। साहिल अब तुम चला लो, आ जाओ। चलो
और ये एटीवी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है, बहुत ही प्यारी एटीवी है, बहुत ही पावरफुल है। इसे भी आइए चलाइए या मजे लीजिए, सबसे टॉप क्लास एटीवी है। हमने तो ये वाली की मजे नहीं लिए, बट हमने 200 सीसी वाली के लिए, तो आप भी आइएगा। लेकिन 100 सीसी अगर आप सिंगल हैं तो ठीक रहेगा, डबल के लिए 100 सीसी ठीक नहीं रहेगा। क्या कहते हैं भाईजान? सही है भाईजान, अगर डबल चलाना है तो ये बड़ा जीप चलाओ, ये इसमें बहुत मजा आएगा। क्योंकि इसमें एक घंटा के लिए बाहर प्रमोशन में 600 दिरहम है, एक घंटा आपको गाइड देगा, पूरा एंजॉय करवाएगा पूरा डेजर्ट का। अच्छा, तो भाई कह रहे हैं हमारे कि 600 दिरहम, कितना 600 दिरहम? 600 दिरहम है एक घंटा के लिए, 600 दिरहम में एक घंटे के लिए देंगे। और ऊपर बाहर जाइए, आप जहाँ जाना है जाइए, जहाँ मर्जी है पूरा मजे मार के आइए, साथ में आपके गाइड भी रहेगा, तो आप लॉस्ट नहीं होंगे कहीं डेजर्ट में। तो बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप टूरिस्ट पर्पज से ही आ रहे हैं, 600 दिरहम में इसको ले लीजिए एक घंटे के लिए। थोड़ा निगोशिएट भी कर देंगे भाई आपके लिए, अगर आप आ रहे हैं और इसे लेना चाहते हैं थोड़ा सा निगोशिएशन हो जाएगा, तो भाई से आप कर लीजिएगा। नंबर तो मैंने आगे स्टार्टिंग में दे रखा है, तो आप उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, भाई से बुकिंग करवा लीजिए और आ जाइए और मज़े करिए। बहुत ही सुहाना मौसम चल रहा है फिलहाल तो दुबई में, नहीं तो अदरवाइज गर्मियों में तो मज़ा नहीं आएगा। क्या कहते हैं भाई, जिसको एंजॉय करना है तो ये मौसम बहुत अच्छा है, ये मौसम और नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर अक्टूबर एंड से लेके मार्च एंड तक बहुत ही अच्छा प्लीजेंट मौसम होता है दुबई का, तो इसी बीच में अगर आप आके ये सब इन्जॉय कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गर्मियों में आएंगे तो इन्जॉय कर पाएंगे, लेकिन इतनी गर्मी होगी आप लोगों को कि पसीना पसीना हो जाएगा और टैन हो जाएंगे, आप पूरी बॉडी टैन हो जाएगी, गर्मी इतनी लगेगी आपको मज़ा नहीं उठा पाएंगे मौसम का और ये सब राइड्स का। तो बेहतर होगा कि जो दुबई का टूरिस्ट का मौसम होता है ठंडियों का, उस टाइम में आइए और मज़े उठाइए यहाँ के। बाइक का आप देख लीजिए पूरा, कितने सारे बाइक्स अवेलेबल हैं, बहुत ही सारी वैरायटीज हैं। मतलब लाइव दिख रहा है ना उनको कि तुम्हारे से बात कर रहे हैं और फिर तुम जो रेट बोल रहे हो वो सही है नहीं, तो वो लोग इधर आके फिर देख सकते हैं। और ये नीचे है हमारा कैंप साइट। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। अभी बेली डांसिंग शो स्टार्ट होगा कुछ ही देर में, शाम ढलते ही अभी हम चलते हैं, देखते हैं अगर सैंड बोर्डिंग कर पाते हैं तो वो भी करते हैं, उसके भी मजे उठाते हैं और उसके बाद कैमल राइड भी लेते हैं, मजा आने वाला है। साहिल तो पूरी डील में लगा हुआ है, डील क्रैक करना चाहता है और देखते हैं उसका क्या बन रहा है, पूरा डिटेल्स दे रहा है साहिल, ऐसा कि उसको भी एक बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। साहिल क्या लगा, कैसा मजा आया एटीवी पे? एटीवी पे बस डिफरेंस ये था कि कल हम लोग पानी में थे और आज हम लोग रेती में है, तो आज तो काफी मजा आया और हम हमारे खुद के वीडियोस भी पोस्ट करेंगे तो वो भी देख लेना, जिनमें हमने धूम मचाई हुई है। और जमीन जमीन पे होने की वजह से यहाँ फट भी नहीं रही थी किसी की। हाँ वो तो गिरेंगे तो किधर गिरेंगे, रेत में, और रेत पे ही गिरेंगे, चोट भी लगने वाली नहीं थी इतनी, वहाँ तो समुद्र का थोड़ा खौफ होता है इसलिए थोड़ा आदमी सोच समझ के चलाता है, पर यहाँ पे पूरे मजे मारे गए हैं। और कैमल राइड भी आ चुकी है तो कैमल राइड भी इंजॉय कर लेते हैं, मजा आने वाला है। चलो साहिल देखते हैं, चलो लेट्स गो। अच्छा खासा हाइट है और ये हम आसमानों की ऊंचाई पे, इतनी तो हमारी क्या था वो एटीवी में भी नहीं फटी थी जितनी फट रही है मेरी, तो नहीं फटी भाई। नहीं मैं पीछे बैठा हूँ ना, हर बार मैं पीछे के टायर पे बैठता हूँ। मैं आगे इसलिए बैठता हूँ ज्यादा सपोर्ट मिल जाए साहिल को, पकड़ ले मेरे को अगर गिरना चाहे तो।
और ये हम चले रेगिस्तान के जहाज पे, रेगिस्तान के सफर में। जब हम एक्चुअली स्कूल में पढ़ाई करते थे तो इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था, करेक्ट। और आज उसी को आजमाने का मौका मिला है और आज उसी जहाज पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं। और ये जाते हुए हमारा फोटो, ये छोटी सी राइड है कैमल की जो कि एक फ्री राइड है Okay, जो आपके पैकेज में इंक्लूड है। हाय, ये राइड हमारी छोटी सी खत्म होती हुई, बहुत ही छोटी थी, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। भुकट चीजों का ऐसे ही रहता है। चले दीजिए, चले दीजिए, एक हमारी भैया दे दो ना, एक उनको दे दो ना, यार ये सब बात दे दो भैया, इतना उन्होंने मेहनत किया हमारे लिए।